जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों आज का पंचांग। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने के पहले आप सभी को जन्माष्टमी की, दही हांडी की और नंदोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। और अब जान लेते हैं दोस्तों आज का पंचांग। दोस्तों आज है दिनांक 12 अगस्त 2020, बुधवार का दिन है। विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942 और गुजराती संवत 2076। आमांत महीना है श्रावण का, पूर्णिमांत महीना भाद्रपद का, कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज की तिथि है अष्टमी तिथि। लेकिन दोस्तों ये अष्टमी तिथि जो है सुबह में 11:16 तक ही है, उसके बाद में नवमी तिथि जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए दोस्तों जिन्होंने भी जन्माष्टमी का व्रत 11 तारीख को किया है उन्होंने व्रत का पारण जो है सुबह में 11:16 के बाद ही करना है, यानी कि अष्टमी तिथि के समाप्त हो जाने के बाद ही करना है। दोस्तों बहुत से लोग जो है अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों के समाप्त होने के बाद पारण करते हैं। दोस्तों उन लोगों के लिए व्रत बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि इस बार रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि के साथ नहीं है, वो 13 तारीख को है। इसलिए मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगी जिन्होंने व्रत किया है वो अष्टमी तिथि को यानी कि 12 तारीख को ही जो है अष्टमी तिथि के समाप्त होने पर व्रत का पारण कर ले। और व्रत त्योहार की बात करें तो जो समर्थ धर्मावलंबी उनके लिए जन्माष्टमी का पर्व जो है 11 तारीख को था, लेकिन वैष्णव धर्मावलंबियों ने जन्माष्टमी जो है 12 तारीख को मनानी है। और जिन्होंने जन्माष्टमी कल मनानी उनके लिए दही हांडी का पर्व रहेगा। अब बात कर लेते हैं नक्षत्र की, तो कृतिका नक्षत्र जो रात को 3:27 तक है, उसके बाद में रोहिणी नक्षत्र लगेगा यानी कि 13 तारीख को रोहिणी नक्षत्र जो लगेगा। योग बन रहा है दोस्तों वृद्धि का जो कि सुबह में 9:26 तक है, उसके बाद में ध्रुव का जो है वो योग स्टार्ट हो जाएगा। दिशाशूल है उत्तर का और अभिजीत महल 12 अगस्त को कोई भी नहीं है, लेकिन विशेष योग में दोस्तों सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और ये योग पूरे के पूरे दिन ही रहने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की, तो अमृत काल जो है दोपहर में 12:48 से 14 यानी कि 2:34 तक रहने वाला है। वहीं विजय मुहूर्त जो है वो दोपहर में 2:48 से 3:40 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम को 6:53 से 7:17 तक रहने वाला है। सायान संध्या काल शाम को 7:05 से 8:12 तक रहेगा। और निशित मुहूर्त लेट नाइट रात को 12:18 से रात को 1:02 तक रहने वाला है। अशुभ मुहूर्त की बात करें तो राहु काल जो है वो दोपहर में 12:40 से 2:16 तक रहेगा। गुलिल काल जो सुबह में 11:03 से दोपहर में 12:40 तक रहेगा। यमगण काल जो है वो सुबह में 7:50 से 9:27 तक रहेगा। वहीं दुर्मुहूर्त दोपहर में 12:14 से 1:05 तक रहेगा। और वर्जित मुहूर्त दोपहर में 2:12 से 3:58 तक रहने वाला है। दोस्तों ये तो हो गया 12 अगस्त का पंचांग। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक विशेष चीज़, वो है आज का पाए। दोस्तों 12 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व भी रहेगा और दही हांडी का, तो दोनों ही दिन का पर्व आप चाहे किसी रूप में मना रहे हो, इस दिन आपने बहुत ही छोटा सा काम कर लेना। वो काम क्या है, आपने गाय को हरा चारा खिला देना है। दोस्तों इससे भगवान श्री विष्णु की, श्री कृष्णा की असीम कृपा आपके पूरे परिवार को मिलेगी। साथ ही भगवान कृष्णा के जो 108 नाम है वो भी आपने जरूर से पढ़ने चाहिए, सुनने चाहिए। उसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जरूर से सुने। इससे आपके घर का वातावरण सात्विक होगा और आपकी जो भी कोई मनोकामना है वो बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी। साथ ही दोस्तों इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली में जान पहचान के लोगों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। और अपना देश चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए और कमेंट में जरूर से लिखिए जय श्री कृष्णा।